कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार मारा गया है। गोलियों से भूनकर गोल्डी बरार की हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन इस खबर की हकीकत क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या वाकई गोल्डी बरार मारा गया है, और अगर हाँ तो किसने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये पूरी खबर डिटेल में आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले न्यूज 8 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बरार कुख्यात अपराधी गैंगस्टर मारा गया है, गोलियों से भूनकर छलनी करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस खबर के पीछे की सच्चाई आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये खबर आई कहां से पहले ये समझिए। दरअसल दावा ये किया गया रिपोर्ट्स के जरिए, अमेरिकी न्यूज चैनल की तरफ से दावा किया गया और वहीं से ये खबर आग की तरह तेजी से फैलती चली गई। न्यूज चैनल ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। दावा ये किया गया कि अमेरिका के फेयरमोंट और हॉल्ट एवेन्यू में 30 अप्रैल को फायरिंग हुई। खास इलाके में यहाँ पर फायरिंग होती है जहाँ दो लोगों को गोली लगने की बात सामने आई। इसमें गोल्डी बरार का जिक्र किया गया और कहा गया कि वो अपने एक साथी के साथ बाहर खड़ा था जहाँ गोलियां उस पर बरसाई गई। और इसमें चैनल ने बताया पुलिस अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कि दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें से एक की मौत हो गई। नाम हालांकि वहां खुले तौर पर किसी का नहीं लिया गया, लेकिन ये खबर जैसे ही शेयर हुई एक के बाद एक वायरल होती गई, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो एरिया है अमेरिका का जहां पर गोल्डी बरार रहा करता था, और इसलिए ये खबर आग की तरह तेजी से फैलती चली गई। हालांकि आपको ये बता दें कि इस खबर में सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी गैंग की तरफ से या किसी गैंगस्टर की तरफ से, किसी अपराधी की तरफ से किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये खबर इसलिए सिर्फ फैली क्योंकि जिस जगह पर ये शूटआउट हुआ था, जहां दो लोगों को गोली मारी गई थी, उस एरिया में पहले गोल्डी बराड जो है वो रहा करता था। गोल्डी बराड वही शख्स है जिसका नाम सामने आता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड ने ली थी। लॉरेंस गैंग का एक खास सिपाही कहिए गोल्डी बराड को, जिसने ये बात कबूल की थी कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी और बदला लेने की उसकी प्लानिंग जो थी वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ पूरी हुई थी। अब ये गोल्डी बरार के बारे में आपको और भी जानकारी दे कि ये पंजाब से ताल्लुक रखता है और कैसे ये अपराध की दुनिया में एंट्री करता है, इसके बारे में आपको बता दें कि 1994 में उसका जन्म हुआ था और पिता उसके पुलिस में काम करते थे। बावजूद इसके गोल्डी बरार ने रास्ता अपराध का चुन लिया और धीरे धीरे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में वो शामिल होता चला गया। उस पर कई तरह के संगीन आरोप लगे और सबसे ज्यादा उसका जिक्र, उसका नाम आपने तभी सुना होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और उसने खुलकर गोल्डी बरार ने ये बात स्वीकार की थी। पोस्ट के जरिए ज्यादातर जो अपराधी और गैंगस्टर होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं और किसी तरह के शूट आउट की, किसी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, और ऐसा ही एक पोस्ट जो है वो गोल्डी बरार की ओर से शेयर करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी उसने ली थी और बताया था कि उसने कैसे ये पूरी प्लानिंग रची और उसने अपना एक बदला सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ पूरा किया है। तो दरअसल ये खबर उसकी मौत की इसलिए बहुत ज्यादा तेजी से फैली क्योंकि जिस इलाके में गोल्डी बरार रहा करता था, क्योंकि वो भारत में नहीं रहता, भाग चुका है, विदेश में रहता है, और जिस इलाके में, अमेरिका में जिस एरिया में वो रहा करता था, वहीं ये शूट आउट हुआ और इसलिए वहां पर शूट आउट की जानकारी जैसे मिलती है, दो लोगों में से एक की मौत की खबर जब आती है तो ये खबर बहुत तेजी के साथ फैली कि गोल्डी बरार की मौत हो गई है। लेकिन न्यूज 8 इंडिया के अपने दर्शकों को हम बता दें कि गोल्डी बरार की मौत की जो खबर तेजी से वायरल हो रही है वो दरअसल फेक है।